सो भाई लोग कैसे, आई होप कि सारे के सारे मजे होंगे। अच्छा देखो, आज जिसको सच सुनने की आदत है ना, वही लोग मेरा वीडियो देखना, बाकी जाके ना वो करण जोहर के गोटे मसल के ना वहाँ पर चवनप्राश खाते रहो, ठीक है। मेरा वीडियो देखना है मैं जिसको सच सुनने की आदत नहीं है। अच्छा, सुबह सुबह जब मैं उठा रहा था तो मैंने फैसल खान का इंटरव्यू देखा, जो कि आमिर खान का भाई है। देखो, अगर मैं आपको बोलूंगा ना बॉलीवुड गंदी नाली का कीड़ा है, बॉलीवुड में सिर्फ स्टार डम चलता है, वहाँ पर सिर्फ स्टार को सपोर्ट किया जाता है, तो आप लोग बोले कि भाई खुद डायरेक्टर बन जाओ और खुद मूवी बना ले, आप लोग कैसे ही बोलोगे। तो घंटा, मेरी बात पर विश्वास नहीं करना है तो मत करो, जाके आमिर खान का भाई जिसका नाम है फैसल खान, उसका इंटरव्यू देखो। वो तो जो बोलेगा सच्ची बोलेगा, बिकॉज वो आमिर खान का भाई है। सीरियसली, वो तो आमिर खान का भाई है, तो वो तो सच्ची बोलेगा, उसको तो सब पता होगा बॉलीवुड में क्या चल रहा है, तो आप उसका इंटरव्यू जाके देख लो, ठीक है। एंड देखो, सबसे पहली बात तो देखो यार, मतलब बॉलीवुड में इतना खतरनाक काम चल रहा है, जब से मैंने उसका इंटरव्यू देखा है ना, तो मतलब मेरे को इतना गुस्सा रहा था, मैं लोगों ने सिर्फ रोस्टिंग करने वाला था, बट मैंने सोचा अगर मैं लोग को गालियां दूंगा तो गालियों की बेइज्जती हो जाएगी, तो गालियां नहीं देनी इन लोगों को। अच्छा देखो, इस इंटरव्यू ना फैसल खान से बहुत सारे क्वेश्चन किए, जैसे कि उनके लाइफ के बारे में एंड उनकी आने वाली मूवी के बारे में, एंड भाई देखो ओटीटी पर उनको मूवी रिलीज कर रहे हैं, उसके बारे में सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन किए गए, मैं आपको ना धीरे धीरे बताता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले देखो फैसल खान की मैं लाइफ के बारे में बात करना चाहूँगा। देखो, इनकी लाइफ है ना बहुत ही खतरनाक है, बिकॉज इनके साथ जो चूतिया पा हुआ है ना, मतलब आप सोचो। अच्छा, जब ये मूवी के लिए किसी के डायरेक्टर के पास जाते हैं ना, डायरेक्टर इनको बोलता है तू एक फ्लॉप हीरो है, हम तेरे साथ काम नहीं कर सकते भाई, हमको ना लॉस हो जाएगा। अच्छा, ये किसी मतलब करण जोहर के पास जाते हैं ना, करण जोहर इसे छोटे इंसान के साथ बात नहीं करते, किसी और डायरेक्टर के पास जाते हैं ना मूवी मांगने के लिए, फॉर एग्जाम्पल उनको बोलते हैं भाई आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं बिजनेस के लिए मूवी के लिए आपको कॉल करूंगा, वैसे करण जोहर पीछे से चिल्ला के बोलता है कि चूतियों का नंबर देना, एक पागल इंसान है, देखो ना फोन करके पागल कर देगा। अभी बहन जो चूतिया वो है कि तू है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। देखो यार, मतलब फैसल खान के साथ जो हुआ ना भाई, मतलब बहुत ही खतर, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, उनका इंटरव्यू जाके देखो ना, आपको पता चलेगा। अच्छा, फैसल खान 50 डायरेक्टर के पास घूमे एंड उसके बाद भी उनको मूवी नहीं मिली। अभी उनकी एक मूवी आ रही है जिसका नाम है फैक्ट्री, और उनकी रोजी रोटी चलाने के लिए उनको एक मूवी मिली है, उनको थोड़ा बहुत पैसा मिला, उसको उनकी लाइफ चलेगी। अच्छा, इस मूवी को मतलब रोजी रोटी चलेगी इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, बिकॉज देखो इनसे मतलब ये मूवी ना थिएटर में आ रही है। अब देखो, फैसल खान को जो जानता नहीं है, मतलब मेरे को भी बहन चोद, कितने लोगों को अभी पता चलोगा कि आमिर खान का कोई भाई है जिसका नाम है फैसल खान, कितने लोगों को अभी पता चला होगा। अच्छा, उस भाई को मतलब फैसल खान को कोई जानता नहीं है। अब ऐसे टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, जबकि अक्षय कुमार की मूवी फ्लॉप हो रही है, इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन की मूवी आ रही है वो फ्लॉप हो रही है, जब फैसल खान की मूवी थिएटर में आएगी तो कौन देखने के लिए जाएगा, मेरे को बताओ, 100% फ्लॉप होने वाली है। अच्छा, इस मूवी को रिलीज करने के लिए ना फैसल खान है ना ओटीटी वालों के पास गए थे कि भाई हमारी मूवी ओटीटी पे लेके आ जाओ, बिकॉज आज जो सिचुएशन चल रही है लोग थिएटर में जाने से डर रहे, कोई जा नहीं रहा है, तो भाई ओटीटी वाले ने फैसल खान को बोला कि देखो आप एक फ्लॉप हीरो, आपकी मूवी अब हम लगाएंगे ना हमारी ओटीटी के ऊपर तो हमको लॉस होगा। अब तो भेजोत में एक बात बोलना चाहता हूँ, आप अजय देवगन की बूस्टर प्राइड ऑफ इंडिया लेके आते हो, अक्षय कुमार की आप लेके आते हो लक्ष्मी बम, आप सलमान खान की राजू और मोस्ट वांटेड भाई लेके आते हो, इस पे स्टार के नाम पे आप सिर्फ लूट रहे हो घंटा, वो भी एक कचरा मूवी, उसमें आपको घंटा कुछ अपना क्या दिखा दिया आप लोगों ने, सबसे बड़ा कचरा मूवी तो ये, इससे चीज तो फैक्ट्री होगी भीमचोद, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, आप लोग मतलब आप स्टार के नाम भी तो आप पैसा ही करो ना, सबसे बड़ा कचरा मूवी तो आप रिलीज कर रहे हो, मतलब क्या फैसल खान जैसे कोई छोटे मोटे इंसान की मूवी आगे तो आप ओटीटी पर रिलीज नहीं करोगे, ये मतलब यही मतलब आप ही सोचो यार, मतलब ओटीटी वाले कितना चूतिया आप कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन है तो जाके जाके फैसल खान का पूरा इंटरव्यू देखो, आपको समझ आ जाएगा कि भाई क्या चल रहा है आजकल बॉलीवुड में। अच्छा, उसके बाद ना सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूछा गया, तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जब पूछा गया ना, सीधे के सीधा फैसल खान ने बोला एक मर्डर है, बट ये मर्डर मतलब इसका कुछ अता पता चलेगा नहीं, बिकॉज जो बड़े लोग हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जितने भी ले लो, करण जोहर ले लो, सलमान खान ले लो, शाहरुख खान, आमिर खान, जितने भी बड़े स्टार की बात कर रहा हूं मैं, वो लोग आगे नहीं आते, वो लोग आगे आते ही नहीं है, बिकॉज देखो ये आउटसाइडर था सुशांत सिंह राजपूत, और आउटसाइडर के साथ ये सब चीज होना आम बात है, बिकॉज जब आमिर खान के भाई के साथ मतलब ऐसा हो रहा है, तब एक आउटसाइडर के साथ क्या क्या होता था आप सोचो। देखो, सुशांत सिंह राजपूत जिस तरह से उनके साथ मूवी ले ली जाती है, उनको निकाल दिया जाता है, और उनकी जो मूवी है ना नेपोटिज्म वालों के हाथ में लग जाती है, इसी तरह कार्तिक आर्यन के साथ भी वही हो रहा है। आप देखो भाई, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हो गया हवा गया उसके बारे में कोई बात करता नहीं, अब कार्तिक आर्यन भी उसी राह पे चल रहे, उनके साथ भी यही सब हो रहा है, बिकॉज वो भी एक आउटसाइडर है, तो उसके बारे में डीपली जाना नहीं चाहूंगा। मतलब देखो क्या फैसल खान ने क्या बोला इसके बारे में, आप जाकर इंटरव्यू में देख लेना। अब देखो, बात करते फैसल खान की जो मूवी आ रही है ना, देखो भाई, देखो ये मूवी 100% फ्लॉप होने वाली है, देखो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो यार जाओ और फैसल खान की मूवी देखो, सपोर्ट करो उनको, बिकॉज यार देखो मैंने ना उनसे उनके जितना हॉनेस्ट और उनके जितना मतलब ट्रू इंसान आज तक देखा ही नहीं है, उस इंटरव्यू मैंने देखा ना बंदा जिस तरह से ट्रू बोला, जिस तरह से हॉनेस्टली हो रहा है ना, फैसल खान मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई, इतना सच्चा होकर जियोगे ना आप तो घंटा आप लोगों को जीने नहीं देगा, थोड़ा सा टेढ़ा आपको होना पड़ेगा। देखो फैसल खान के इंटरव्यू में ना फैसल खान ने एक बहुत ही जबरदस्त बात की है, देखो जब मूवी बनाते रहे तो मूवी ऐसी बनानी चाहिए, हम आंखों से देखे ना तो दिल में उतरने चाहिए और रूह को महसूस होना चाहिए, ऐसी मूवी बनानी चाहिए। फैसल खान भाई क्या बात करी आपने, मतलब एकदम दिल पे छा गए आप तो। देखो भाई, आप जिस तरह से हॉनेस्ट होकर जीरो, जिस तरह से सच्चाई पे चल रहे हो, मेरे को लगता नहीं आप ज्यादा टाइम तक टिक पाओगे, थोड़ा सा टेढ़ा आपको होना पड़ेगा। बात रही आपके आने वाली मूवी की, तो भाई देखो मैं जरूर से देखने जाऊंगा ना, हो सका तो देखो इसका रियल रिएक्शन शायद ही दूं, बिकॉज यार देखो आप जिस तरह से आप ये मूवी मतलब 50 डायरेक्टर के पास घूमने के बाद आप मूवी लेके आ रहे हो ना, मेरे को पता है आपको जो मिला होगा, जिसने बोला होगा आपने बना दिया होगा, बिकॉज यार आप लोग कोई मूवी देखने के लिए देने के लिए तैयार नहीं था, इसकी स्क्रिप्ट स्टोरी क्या है मेरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ आपका काम जरूर देखूंगा, इस मूवी को जरूर सपोर्ट करूंगा। एंड मैं व्यूअर से भी बोला चाहता हूँ भाई, जाओ आमिर खान के भाई फैसल खान की मूवी आ रही है फैक्ट्री नाम है, तो जाओ उस मूवी को देखो एंड एंजॉय करो भाई, सपोर्ट करो। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू। एंड भाई सीधे बोल रहा हूँ, देखो मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना तो घंटा
मत करो, जाके फैसल खान का इंटरव्यू देखो, वो आमिर खान का भाई है, मेरे से बेटर, हम लोगों से बेटर वही चाहता होगा बॉलीवुड में आजकल चल क्या रहा है, ठीक है। सो भाई जाओ उनका इंटरव्यू देखो भाई, इंटरव्यू में आपको पता चलेगा बॉलीवुड में कितने काले कांड हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लव यू एंड। हाँ, फैसल खान को सपोर्ट करने के लिए मूवी देखने जरूर से जाना। बाय बाय।